June 23, 2018 को एक फुटबॉल टीम ऑफ वाइल्ड बोर फुटबॉल अकेडमी थाईलैंड में फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए अपनी आती है पिच पे एंड वो टीम होती है 11 से 16 साल के बच्चों की एंड उसमें एक असिस्टेंट कोच एंड एक हेड कोच होता है। जो हेड कोच होता है वो ट्रेनिंग गार्ड बोलते हैं कि मैं अपने ओलर टीम की मैच के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग घर जा सकते हो एंड असिस्टेंट कोच और जो पूरी टीम होती है वो निकल जाती है। जब ओलर टीम का मैच रहा था तो हेड कोच फिर से फ़ोन को देखता है एंड उस फोन में बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे उन बच्चों के पेरेंट्स के एंड वो कॉल्स इसलिए आए होते हैं क्योंकि वो बच्चे अभी तक घर नहीं पहुँचे हुए होते हैं। तो हेड कोच ट्राई करते हैं सारे बच्चों को इंडिविजुअली कॉल करने का एंड एक बच्चे को कॉल लगता है जिसने बताया कि वो उसकी मम्मी के साथ ट्रेनिंग और घर आ गया था, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो चले गए थे पास के ही थाईलैंड के थाम लुआंग केव्स में उसे एक्सप्लोर करने अलोंग विद द असिस्टेंट कोच। तो जो हेड कोच होते हैं वो केव्स की तरफ जाते हैं एंड वहाँ पहुँच कर जो वो देखते हैं उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि शायद अब वो बच्चे जिंदा नहीं होंगे। वहाँ पर उन बच्चों की 22 सेकंड्स पड़ी होती है लेकिन जो केव का एंट्रेंस होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया होता है क्योंकि वहाँ पे अब एक पानी की स्ट्रीम बह रही होती बहुत ऊँची और बहुत तेज। तो जितने बच्चे हैं वो केव में ट्रैप हो चुके थे एंड यही पे स्टार्ट होता है थाईलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्क्यू मिशंस द थाम लुआंग केव रेस्क्यू। हो सकता था वो बच्चे अभी भी जिंदा हो एंड उसी होप में बुलाया गया नेवी सील्स को ताकि वो डाइव करके जाए अंदर केव के। लकीली एक इंसान था जो इस केव को काफी सालों से रिसर्च कर रहा था एंड उसको इस केव सिस्टम के बारे में पूरा पता था। उस इंसान का नाम था वर्नॉन अनसर्ट एंड इट वाज ऑल अ स्ट्रोक ऑफ लक कि वो इंसान उन्हें मिल गया वहाँ पे। अब अनसर्ट ने क्या किया, उसने बताया कि जो केव का सिस्टम है वो कुछ दूर जाकर दो पार्ट्स में से डिवाइड हो जाता जो कि एक हाई एथेरन की तरफ जाता एंड मोस्ट लाइकली जो बच्चे होंगे वो हाई एथेरन वाले साइड ही होंगे जो कि एक्चुअली था 10 किलोमीटर लॉन्ग। अब उस जगह डाइव करके जाना नेवी सीन्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता क्योंकि उस अंडर वाटर टेरेन में ट्रैवर्स करना ही एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि नेवी सीन्स तो नहीं लेकिन कोई प्रोफेशनल अंडर वाटर डाइवर्स ही कर सकते थे एंड इसलिए अनसर्ट ने बुलाया अपने दो दोस्तों को फ्रॉम यूके जॉन विलंटन एंड रिक स्टैंटन। विक और जॉन दोनों ही प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स थे एंड इनके लिए इस केव में जाना तो आसान ही था लेकिन द मेन प्रॉब्लम वाज की जो करंट थी जो रेनफॉल की वजह से पानी का करंट जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन स्टिल जॉन और रिक ने ट्राई किया जाने का एंड उन्होंने डाइव लगाई एंड अनसर्ट के बताए हुए रास्ते पर उन्होंने स्विम करना स्टार्ट किया। वो डाइव करते हुए गए आगे तो उनको लगा कि शायद यहाँ पे एक अपर ग्राउंड है जो कि था पटाया बीच का एक हायर ग्राउंड एंड वो उस केव का हाईएस्ट पॉइंट था एंड जैसे ही उस केव के हाईएस्ट पॉइंट पर स्विम कर गए उनको पानी के सरफेस के ऊपर लाइट दिखी एंड उस लाइट की तरफ जैसे ही वो पानी के बाहर निकले एंड जैसे ही उन्होंने उस डार्क कॉर्नर पर टॉर्च जलाई वहाँ पर वो पूरी फुटबॉल टीम जिंदा थी even after 10 days.